अभी हम मौजूद हैं इंडोर स्टेडियम दुमका के। यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है जिसमें पूरा जिला लेवल से प्रखंड प्रखंड से आए हुए हैं बहुत सारे स्वयंसेवक। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर उनकी मांग क्या है और यहाँ पे क्यों जुटान हुए हैं, आप बताइए। हाँ, हमारी मांग है सरकार से कि सरकार सभी स्वयंसेवक के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी स्वयंसेवक को सरकार ये कह के बहाल किए हैं कि पार्ट टाइम जॉब सबको दे रहे हैं, अपना वर्क के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कीजिए और कुछ इनकम कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हो रहा है। अच्छा। सरकार सिर्फ मतलब काम स्वयंसेवक से काम ले रहे हैं और मानदेय के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं, सब अपने पॉकेट से खर्चा कर करके हम लोग वर्क कर रहे हैं। सरकार से ये आपकी मांगे हैं? हाँ, सरकार से हमें ये मांगे कि हम स्वयंसेवक को अस्थायी किया जाए। हाँ। और उसको मानदेय दिया जाए, मानदेय लागू किया जाए। मानदेय लागू किया जाए। आप कौन से पद पे आते हैं? हम दुमका जिला के उपाध्यक्ष पद पर। अच्छा, ठीक है। आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं और क्या मांग है आपकी? हम अशोक कुमार राय, दुमका जिला पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का सचिव हैं। हम लोग सभी प्रखंड से यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग सरकार से मुख्य मांग है कि जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके एवज में सरकार हम लोगों को बहाल किया गया था कि उसका प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग 25 तारीख को लेकर यहाँ एक बैठक बुलाया। 25 तारीख को हम लोग को रांची जाना है, वहाँ राज्यपाल के पास एक मांग पत्र सौंपना है। पहले हम लोग मोरहाबादी स्टेडियम में एकत्रित होंगे, सारे स्टेट जितना जिला का स्वयंसेवक है सब जिला का स्वयंसेवक वहाँ पहुँचेंगे और मोरहाबादी से हम लोग वहाँ जो गांधी जी का मल्यार्पण करके सीधा राजभवन की ओर चलेंगे। वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ मांग पत्र सौंपेंगे राज्यपाल को। और यहाँ से आए हुए हैं दुमका जिला के सभी प्रखंड के, आप लोगों का कुछ नारा भी है क्या? जी, हम लोग का नारा है। हाँ, क्या है नारा? समान काम समान वेतन के साथ साथ समान काम समान वेतन राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, हम लोगों को अस्थायी किया जाए, आप लोगों का भुगतान किया जाए। आप लोगों का मुख्य मांग है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो भी और मेहनत के साथ जो आप लोगों का प्रोत्साहन राशि का व्यवस्था किया गया है सरकार, वो उचित समय पे दिया जाए और उचित मानदेय भी लागू किया जाए। ये चीज है। चलिए, ठीक है।